नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग देखो लास्ट वीडियो जो हमने हमारा कवर हुआ था क्लास, वो भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम से संबंधित, जिसमें हमने देखो स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था था वो कवर कर लिया था, राइट। आज हम देखो जो इसके शेष टॉपिक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी पद्धति, इसको हम लोग देखेंगे उसी तरह से जिस तरह से हमने पहला टॉपिक देखा था। जैसे इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, इसके कारण क्या थे, क्यों इसको इंप्लीमेंट किया गया, इसकी क्या विशेषताएं रही हैं, इसका क्या परिणाम हुआ था और इस व्यवस्था के क्या दोष थे, यानी आपका जो वही पीटी प्लस मेंस का जो अप्रोच है उसी आधार पे जो कि इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये हमारे सक्सेस क्लास जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से देखो आपके यहाँ सब्सक्राइब का बटन, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ और, एक बार फिर से मैप में देख लेती कौन सी व्यवस्था कहाँ पे थी, ताकि आपको अच्छे से वो दिमाग में वो चीज़ें छप जाए, राइट। जैसे देखो यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी व्यवस्था आप देखो तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रीजन में था, और उसे वही आपका महालवाड़ी सिस्टम अगर आप देखो तो पंजाब, यूपी और थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया के पार्ट में था। अभी हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है हमारा, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, जो कि देखो बॉम्बे और मद्रास के रीजन में था। ये जो आपका ब्राउन, इधर अगर इस वाले मैप में देखो तो ये जो ब्राउन कलर से जितने एरिया हैं, ये सारे एरिया, ये एरिया और थोड़ा सा ये असम का एरिया भी, जो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको रैयतवाड़ी सेटलमेंट देखने को मिलेगी। तो पीटी के लिए याद रखना, ध्यान रखना, ये आपका जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था वो साउथ में था ही, लेकिन साथ साथ असम के भी कुछ क्षेत्रों में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, राइट। चलो अब शुरू करते हैं अपना रैयतवाड़ी सिस्टम पढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इसके बारे में बातें बताई गई है। तो यहाँ से थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ इसको शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि में देखो क्या बताया जा रहा है, तो बोला जा रहा है स्थायी बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा कैप्टन रीड की सहायता से इसे प्रारंभ किया गया, यानी कि इसको कौन प्रारंभ किया था, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड की सहायता से, जो कि मद्रास में इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया। इस व्यवस्था को 1820 में मद्रास, बंबई एवं असम के कुछ भागों में लागू किया है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कहाँ का लागू हो रहा है, मद्रास में, बंबई में और असम के कुछ क्षेत्रों में, जो कि आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। बंबई में इस व्यवस्था को लागू करने में बंबई के तत्कालीन गवर्नर एल्फिंस्टन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, यानी कि बॉम्बे में एक गवर्नर थे, कौन थे, एल्फिंस्टन थे, और ये देखो ये भी किससे संबंधित है, रैयतवाड़ी व्यवस्था से ही संबंधित है, तो इनका भी अगर नाम आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था को लेकर तो ये मान लीजिएगा आप कि ये चीज़ सही बोला जा रहा है। ये हमने देख लिया ये क्यों लाया गया था, क्योंकि देखो जो आपका ब्रिटिशर्स का जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था था वो अगर ब्रिटिशर्स ने देखा तो ओवरऑल अगर इसको देखा तो ये एक तरह से फेल हो गया था उनका ये सिस्टम रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एग्रीकल्चर से, तो इस वजह से इसकी जगह पर जो कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त लाया गया, ठीक है। मेन कारण तो ये था, लेकिन इसके पीछे और भी कुछ कारण है, कुछ और पॉइंट यहाँ पर बताए जाते हैं कि क्यों जो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया था, क्यों जो कि आपका वो जो परमानेंट सेटलमेंट था उसको नहीं इंप्लीमेंट किया गया दोबारा, तो उसके पीछे क्या क्या कारण है वो ये तीन चार पॉइंट में वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, राइट। तो देखो पहला बात यहाँ बोला जा रहा है कि उपयोगितावादी विचारधारा, यानी कि इसका क्या मतलब है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख से प्रभावित इस विचारधारा की केंद्रीय मान्यता थी कि भूमि के ऊपर उस वर्ग का स्वामित्व होना चाहिए जिसने उस भूमि में अपना श्रम लगाकर फसलों का उत्पादन करता है। यही कारण कि अर्थशास्त्री रिकार्डो के सिद्धांत से प्रभावित होकर जमींदारों को गैर उत्पादक वर्ग मानते हुए किसानों को ही भूमि का मालिक स्वीकार किया गया। तो यानी कि यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि जब ये आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था आई तो उसमें यूरोप में अगर देखोगे तो यूरोप में एक विचारधारा काफ़ी तेज़ी से प्रचार हो रहा था, काफ़ी तेज़ी से उसका विस्तार हो रहा था। कौन सी विचारधारा थी, उपयोगितावादी विचारधारा था, जिसका जो कि अल्टीमेट लक्ष्य क्या था, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इस तरह की हमको जो कि पॉलिसी वगैरह बनाना चाहिए था। तो ये इस तरह की बात करती थी आपके उपयोगितावादी विचारधारा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बोला कि भूमि के ऊपर उसी वर्ग का स्वामित्व होगा जो उस पर जो कि काम करता है, जो उस पर खेती करता है। तो इसके लिए अंग्रेजों ने क्या बोला, इसके लिए अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत बोला कि यानी भूमि का जो मालिकाना हक होगा वो किसका होगा, किसानों का होगा, ना कि जो आपका एक बिचौलिया वर्ग था, मध्यम वर्ग था, जमींदार वर्ग था, उसका हक नहीं होगा। तो यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता क्या बताई जा रही है कि यहाँ पर देखो भूमि का मालिकाना हक किसको दे दिया गया, किसानों को दे दिया गया। और ये विचार, ये किससे जो कि इंस्पायर्ड थी ये विचारधारा, तो ये उपयोगितावादी विचारधारा से इंस्पायर्ड होकर जो कि इस तरह का प्रावधान रैयतवाड़ी व्यवस्था में किया गया था, राइट। अब सेकंड पॉइंट देखो यहां पे बोला जा रहा है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था वाले क्षेत्रों में भू राजस्व का निश्चित कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादों के मूल्य तथा उनके निर्यात में तो वृद्धि हुई लेकिन सरकार की आय में वृद्धि नहीं हुई। यानी कि हम जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था था उसमें देखो जो लगान भू राजस्व था, रेवेन्यू यानी जो आपका टैक्स रेट था, उसको देखो स्थिर कर दिया गया था। तो इससे देखो यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखो टैक्स रेट को स्थिर करने से क्या हुआ, वहाँ पर देखो जो आपका भू राजस्व था उसमें वृद्धि तो हो गई, उसमें इंक्रीज हुआ उसके अमाउंट में, लेकिन जो बिचौलिया वर्ग था, जो जमींदार वर्ग था, वो जो इंक्रीज
हुआ था अमाउंट, वो देखो जमींदार वर्ग जो देखो अपने पास रख लेता था लेकिन ब्रिटिशर्स को नहीं देता था, तो इस वजह से देखोगे तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था अंग्रेजों के लिए उतना लाभदायी नहीं हुआ था, इस वजह से जो कि इसको इन्होंने इम्प्लीमेंट फिर दोबारा नहीं किया। फिर देखो यहाँ बोला है कि जो आपके जमींदार थे वो दमनकारी थे, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी बंदोबस्त क्षेत्रों में प्रायः अनेक कृषक विद्रोह हुए। तो अंग्रेजों ने क्यों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को फिर से लागू नहीं किया, उसका ये कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो जो आपका जमींदार जो थे वो दमनकारी हो गए थे, और जिसके कारण बहुत सारे कृषक विद्रोह हमको झेलना पड़ा, हमारे बहुत सारा प्रशासनिक खर्च हुआ, हमारे बहुत सारे सेना की डेथ वगैरह भी हो गई, बहुत सारे सेना का कार्यभार बढ़ गया। तो ये सबको संभालते हुए जो कि भारत में फिर से अपना प्रशासन करना था, तो ये सब करते हुए उनको बहुत ज़्यादा जो कि कह लो उनके पैसे का श्रम का बहुत ज़्यादा जो कि खर्च होने लगा। तो इस ये चीज़ें दोबारा ना हो इसके लिए उन्होंने बोला कि नहीं, अब जमींदारी व्यवस्था जो थी उसको या फिर स्थायी परमानेंट सेटलमेंट था उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अब हम जो कि इसके अल्टरनेट में कुछ देखेंगे। तो जिसके लिए उन्होंने क्या लाया, रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया था। तो इसके पीछे एक ये भी प्रमुख कारण था। फिर देखो नेक्स्ट बोला गया कि बिहार बंगाल में मुगल प्रशासन के समय से ही जमींदारों तथा सामंतों का अस्तित्व था, लेकिन मद्रास बॉम्बे असम में बड़ी भू संपदा के स्वामी के रूप में जमींदारों और सामंतों का अस्तित्व नहीं था, इसलिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली इन भागों में लागू नहीं की जा सकती थी। यानी कि आपको जो परमानेंट सेटलमेंट चलो एक बार के लिए मान लेते हैं ठीक है, जो भी विद्रोह वगैरह हो रहा है जो भी चीज़ें हो रही है उसके बावजूद अगर अंग्रेज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, तो मैं आपको एक तरह से मैप के थ्रू ये बताना चाहता हूँ। जैसे ये मान लो बंगाल बिहार उड़ीसा का रीजन है, ये आपका साउथ का रीजन है। तो यहाँ पर बोला जाए कि अगर देखोगे तो बंगाल बिहार उड़ीसा के रीजन में यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में देखोगे इस वाले क्षेत्र में तो यहाँ पर पहले से जमींदार और जो आपके सामंत थे वो पहले से यहाँ पर मौजूद थे मुगल काल के समय, लेकिन जो आप साउथ में देखोगे तो यहाँ पर ऐसा कोई जमींदार वर्ग नहीं था, सामंत वर्ग ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पर। तो इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना जो कि मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए इन्होंने जो कि आपका जो परमानेंट सेटलमेंट है उसको यहाँ पे साउथ में इंप्लीमेंट नहीं किया था। तो इसके पीछे एक और कारण था कि क्यों परमानेंट सेटलमेंट जो कि साउथ में इंप्लीमेंट नहीं किया गया, इसके पीछे देखो ये मुख्य कारण था। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट बोला कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर संग्रह हेतु किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए किसान को कम कर देना पड़ा। इससे कृषकों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई तथा भारत में तैयार किए गए ब्रिटिश उत्पादों की मांग में भी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था था इसमें देखो जो ब्रिटिशर्स है ठीक है, और यहाँ पे जो फार्मर है ठीक है यानी किसान है, यानी कि जो आपके फार्मर है उनका देखो ब्रिटिशर से कनेक्शन जो है कि वो डायरेक्ट था, यानी कि डायरेक्ट जो कि ब्रिटिशर जो कि किसान के पास जाते थे उनसे रेवेन्यू लेकर कलेक्ट करते थे। यहाँ पे कोई बिचौलिया वर्ग यानी जमींदार जो था वो कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। तो इससे क्या हुआ, तो जो जमींदार का जो कमीशन बनता था वो आपका जमींदार वो कमीशन नहीं मिला है, तो इससे जो किसानों की आय थी वो बढ़ गई थोड़ी सी, मतलब जितना उनको टैक्स देना था ब्रिटिशर्स को वो उसको दे देते थे, और बिचौलिया जो था आपका जमींदार जो टैक्स का कुछ पार्ट रखता था वो अब देखो किसानों को नहीं देना पड़ा है। तो इससे क्या बोला जाएगा कि किसानों के पैसे बच रहे थे, तो इससे किसानों को पैसे बचे तो वो क्या करते थे, वो खरीदारी में इसका यूज करेंगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वगैरह खरीदेंगे बाजार जाके। तो उस समय देखोगे तो जो भारतीय बाजार था उसमें ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा थे, तो जो किसान थे उन्होंने देखो ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट को खरीदना शुरू किया। इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट की मांग थी वो बढ़ गई, और इससे ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट या फिर ब्रिटिश की जो इकॉनमी थी वो थोड़ा सा बूस्ट इनको देखने को मिली इस व्यवस्था से। तो इसलिए इस व्यवस्था को भी इंप्लीमेंट किया गया था। इसके कुछ प्रमुख कारण थे जिसके वजह से जो कि परमानेंट सेटलमेंट को दोबारा कंटिन्यू नहीं किया गया, उसकी जगह पर उसका अल्टरनेट जो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। तो हमने देख लिया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के क्या कारण थे। अब देखो इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं रैयतवाड़ी व्यवस्था की। तो इसमें बोला जाए कि इस व्यवस्था में समस्त भूमि का स्वामित्व सरकार के पास था, किसानों को इस शर्त पर भूमि आवंटित की गई कि वे करों का भुगतान करते रहेंगे। दूसरे शब्दों में किसानों और सरकार के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया गया था। यानी कि यहाँ पे बोला जाए जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट क्या था कि आपके जो ब्रिटिशर्स थे और जो आपके जमींदार थे और आपके किसान थे, तो किसानों का संपर्क सीधा ब्रिटिशर्स से नहीं था, उनका जो कि संपर्क जो कि जमींदार से सीधा संपर्क था, उसके बाद जमींदार जो कि ब्रिटिशर्स की ओर जाता था रेवेन्यू देने के लिए। लेकिन आपका जो रैयतवाड़ी व्यवस्था इसमें देखो ब्रिटिशर्स और किसान दोनों का संबंध यानी प्रत्यक्ष संबंध है, दोनों के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। तो ये इससे देखो जो ब्रिटिशर्स थे उनको ग्राउंड रियलिटी की जानकारी ज़्यादा बेहतर इस वाली व्यवस्था में उनको देखने को मिल जाती है। तो ये इसकी विशेषता है। फिर नेक्स्ट बोला जाता है जब तक किसानों के द्वारा करों का भुगतान किया जाता है तब तक किसान जमीन पट्टे बिक्री बंधक वसीयत संबंधी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में रैयतवाड़ी प्रणाली में भूमि धारकों को स्वामित्व अधिकारी प्रदान किया गया था, यानी जो किसानों को भूमि थी वो जब तक देखो ब्रिटिशर्स को टैक्स वगैरह दे रहे रेवेन्यू वगैरह दे रहे हैं तब तक देखो वो भूमि संबंधी जितने भी उनके अधिकार हैं वो सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इस तरह की इसकी विशेषता बताई जा रही है। फिर नेक्स्ट देखो बोला है, यदि वह करों का भुगतान नहीं करते थे तो उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाता था, जैसा कि परमानेंट सेटलमेंट में था कि जमींदार अगर टैक्स रेवेन्यू जो कि अंग्रेजों को नहीं देता था तो जमींदार को उस भूमि से हटा दिया जाता था। उसी तरह यहाँ पर अब जमींदार तो नहीं है लेकिन किसान है, अगर किसान रेवेन्यू का टाइम पर पेमेंट नहीं करता है तो उस किसान से उसकी जमीन छीन ली जाती थी। तो इस तरह का यहाँ पर व्यवस्था हमको देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट इसकी विशेषता में देखो, कहा जा रहा है करों की दर केवल 30 साल की अवधि के लिए अस्थायी रूप से तय की गई थी और पुनः इनका संशोधन किया जाता था। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जो कर का दर था, कर का जो दर था वो फिक्स था, वो परमानेंट के लिए स्टेबल कर दिया गया, चाहे वो 10% हो, चाहे 20% हो, चाहे 30% हो, जो भी रहा होगा वो परमानेंट था, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन आपका जो रैयत वाली व्यवस्था है इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें देखो जो कर का दर था वो 30 साल के लिए फिक्स था, उसके बाद जो कि इसको चेंज किया जा सकता था, इसमें अगर जरूरत उनको लगता है कि ज़्यादा करना है, बढ़ाना है या फिर कम करना है, उसके अनुसार इसको चेंज कर सकते थे। फिर नेक्स्ट इसकी विशेषता में देखो, रैयत और व्यवस्था की विशेषता में बताया जा रहा है कि सरकार ने इच्छा अनुसार भूमि राजस्व बढ़ाने का अधिकार अपने पास बनाए रखा था, यानी कि भूमि राजस्व को अगर कोई बढ़ा सकता है, अगर गवर्नमेंट का मन करेगा, इच्छा होगा तो वो बढ़ा सकती है, इस पर कोई रोक टोक नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर टकाल टकाल नहीं अकाल होगा, देखो यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अकाल के दौरान लागू किए जाने वाले राजस्व राहत संबंधी प्रावधान शायद ही कभी वास्तविक परिस्थिति में लागू होते थे, यानी कि जो आपका रैयत वाली व्यवस्था था उसमें देखो एग्रीमेंट जो होता था उसमें पेपर पर लिखा जाता था कि अगर कभी अकाल की सिचुएशन होती होगी तो हम आपको जो आपका टैक्स रेट है उसको कुछ कम कर देंगे, उसमें कुछ राहत दे देंगे, यानी कि जैसे 20% अगर आपसे हम टैक्स ले रहे हैं तो 20 की जगह अब हमसे 10 या 8% ही टैक्स लेंगे उस वर्ष जिस वर्ष अकाल की स्थिति होगी। लेकिन ऐसा तो ये देखो प्रावधान था लेकिन ऐसा कभी शायद ही वास्तविक परिस्थिति में लागू हुआ होगा, यानी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। तो इस तरह की इसकी विशेषता में बताया जाता है। फिर देखो लास्ट बोला जा रहा है, इस प्रणाली के अंतर्गत रैयतों से अलग अलग समझौते कर लिया जाता था तथा भू राजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज की मात्रा पर न करके भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। तो ये देखो इसका काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ पे जो भू राजस्व का निर्धारण होता था वो प्रोडक्शन, जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है उस पर न होके जितना आपके पास भूमि है, जितना जितना बड़ा एरिया है उस आधार पर आपका जो कि रेवेन्यू फिक्स होता था कि कितना आपको रेवेन्यू देना है। तो ये देखो काफ़ी एक तरह से कह लो शोषणकारी व्यवस्था थी। क्यों, अगर मान लो किसी का भूमि है, ये देखो जैसे किसी की ये लैंड है, किसी का इतना बड़ा लैंड है, हो सकता है किसी का इतना बड़ा लैंड हो, ठीक है, तो इसको कम रेवेन्यू देना पड़ेगा, इसको ज़्यादा रेवेन्यू देना पड़ेगा। लेकिन मान लो कि किसी वर्ष किसी कार से जिसको देखो यहाँ पर इसकी खेती नहीं हुई, इसने खेती नहीं की या फिर इसका जो खेत था वो जो अच्छा नहीं था, अच्छी फसल नहीं हो रही है, तो इस पर क्या होगा, अब इतना बड़ा ये भूमि के कारण इसको देखो पूरा टैक्स देना पड़ेगा, भले इसके ये चाहे उस साल खेती करे इस पर, चाहे ना करे, चाहे प्रोडक्शन कम हो बेसी ज़्यादा हो, कोई मतलब नहीं है, इसको रेवेन्यू पूरा देना है, भले उसको एग्रीकल्चर वहाँ पर ना करे तब भी देना है। तो ये एक तरह से क्या था, शोषणकारी एक तरह से व्यवस्था थी। यहाँ पर इस पॉइंट से यही पता चल रहा है, अगर किसी का छोटा खेत है तो उसको कम टैक्स देना है, लेकिन अगर किसी का ज़्यादा बड़ा टैक्स है तो उसको ज़्यादा टैक्स देना है। ये इस आधार पर देखो तो ये तो थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन अगर मान लो किसी ने एग्रीकल्चर का काम नहीं किया उस दिन उस वर्ष, या फिर उसकी खेती उसकी जो उत्पादन वो कम हो गई तो वो उसको तो भाई रेवेन्यू तो पूरा देना होगा। अगर उत्पादन के आधार पर होता तो सही रहता कि जितना उत्पादन हुआ उसका कुछ परसेंट आप हमसे ले लीजिए, लेकिन इस आधार पर नहीं था, तो इसलिए ये थोड़ा सा शोषणकारी समझ में आता है ये वाला रैयत वाली व्यवस्था, राइट। तो ये मुख्य विशेषताएं हमने देख ली इसकी। अब इसके क्या परिणाम हुए वो हम लोग देख लेते हैं पॉइंट वाइज, तो थोड़ा सा जूम कर लेते आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखो इसके परिणाम में देखो बोला जा रहा है कि किसानों को सूखा और अकाल के दौरान भी राजस्व का भुगतान करना पड़ता था, अन्यथा उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। तो ये तो इसका काफ़ी शोषणकारी परिणाम देखने को मिला है। फिर नेक्स्ट बोला जाए कि इसमें बड़ी संख्या में जमींदारों के स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक विशाल जमींदार की भूमिका में थी, कंपनी के कर्मचारी किसानों का शोषण करने लगे, यानी जो जमींदार यानी जो बिचौलिया वर्ग था उसको हटाया गया, तो उसकी जगह पर जो कंपनी थी वो स्वयं जमींदार की भूमिका में काम कर रही थी। कंपनी का मतलब कंपनी के जो कर्मचारी थे वो जमींदार के रूप में काम कर रहे थे, बिचौलिए काम करते थे और किसानों का शोषण करते थे, अधिक से अधिक जो कि रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने के लिए जबरी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, राइट। तो फिर देखो नेक्स्ट इसके परिणाम बोला जाए, यद्यपि रैयत वाली व्यवस्था का उद्देश्य किसानों और कंपनी के बीच प्रत्यक्ष राजस्व व्यवस्था का निर्धारण करना था, लेकिन कुछ वर्षों में भूमि स्वामित्व और बटाईदारों की संख्या में वृद्धि होती गई थी। इसका कारण यह था कि कपड़ा बुनकर बेरोजगार थे, इसलिए उन्होंने अन्य अमीर किसानों के अधीन बटाईदार किसानों के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। कई जिलों में 2/3 भाग से अधिक खेतों पर पट्टे पर दिया जाता था। तो यहाँ पर बोला जाता कि जो आपका रैयत वाली व्यवस्था था उसका देखो मेन एम क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था, कि जो आपके फार्मर है यानी जो आपके किसान है और जो आपके ब्रिटिशर्स हैं इनका आपस में देखो प्रत्यक्ष संबंध हो। लेकिन क्या हुआ, जब बेरोजगारी भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, खासकर देखो जो कपड़ा बुनकर थे वो बेरोजगार थे, तो उन्होंने क्या किया,
जो बड़े किसान थे, यहाँ देखो जो अमीर किसान थे जिनके पास बहुत बड़ी भूमि थी, वो अकेले अब काम नहीं कर सकते थे अपनी खेती में, तो वहाँ पर ये जाके देखो उनसे देखो जो उनका भूमि था, बड़े बड़ा भूमि था, उसको देखो एक तरह से कह लो किराए पर उन्होंने उसकी भूमि ले लिया एक साल के लिए। जो भी उत्पादन होता था उसका 50% 60% जो भी होता था वो देखो जो भू मालिक उसको दे दिया जाता था, और जो उत्पादन का शेष जो भाग बचता था वो देखो जो वर्कर था वहाँ पर काम करने वाला वो रखता था। तो इससे क्या हुआ, जो इनका उद्देश्य था कि किसान से प्रत्यक्ष संबंध इनका ब्रिटिशर्स को हो जाए, लेकिन वो प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो, क्यों, क्योंकि अब देखो बटाईदार भी बीच में आ गया, यानी जो किसान है वो केवल नाम का किसान है, यहाँ पे जो एक्चुअल खेती कौन कर रहा है, बटाईदार खेती कर रहा है। तो इस तरह की भी यहाँ पे देखने को चीज़ें मिलती हैं। फिर देखो नेक्स्ट बोला जाए कि चूंकि सरकार ने नगद राजस्व पर बल दिया, अतः किसानों ने खाद्य फसलों के बजाय कपास जैसी नकदी फसलों का सहारा लिया। नकदी फसलों को अधिक उत्पादनों की जरूरत थी, जिसके परिणामस्वरूप लागत तथा किसानों की ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई। तब यहाँ देखो जो ब्रिटिशर्स थे उनको कैश में ही सारा कुछ पैसा वगैरह चाहिए था, रेवेन्यू वगैरह चाहिए था, तो इसलिए कैश ज़्यादा भी होता था, यानी जो रेवेन्यू की लागत, रेवेन्यू जो था वो ज़्यादा लेते थे। तो किसान क्या करने लगे, वो खाद्यान्न फसलों से देखो इनकम बहुत कम होता था, इनकम उतना अच्छा नहीं होता था जितना कि जो आपका कॉमर्स कमर्शियल क्रॉप, अगर आप कमर्शियल क्रॉप उगाते हैं तो उस पर देखो रेवेन्यू अच्छी मिलती है, लेकिन खाद्यान्न फसलों में उतनी रेवेन्यू नहीं मिलती है। तो किसान जो देखो अपना जो रेवेन्यू है उसको देने के लिए क्या किया, उन्होंने कमर्शियल क्रॉप उगाना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात थी, जो कमर्शियल क्रॉप था आपका, कॉमर्शियल क्रॉप था उसको देखो उगाने के लिए उसकी जो पहली बुआई है, जो कि जो उसकी खेती है, उसका जो इनपुट कास्ट कास्ट यानी जो आपकी उसकी लागत है वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो यानी अगर आपको कॉमर्शियल क्रॉप क्रॉप की खेती करनी है तो आपको जो कि लागत ज़्यादा देनी पड़ती थी, ज़्यादा लगाना पड़ता था। इसके लिए जो किसान थे वो क्या करते थे, वो जो देखो उस एरिया में जो साहूकार थे, ठीक है, जो ब्याज पे पैसे देते थे, उच्च ब्याज पे पैसे देते थे, तो वो किसान जो कि उस साहूकार के पास जो कि ब्याज पे पैसे ले लेता था, और उसको अपने खेत में जो कि खेती करके जो भी पैसा मिलता था उसका पैसा जो कि साहूकार को देता था उसका ब्याज के साथ। तो बहुत से किसान को क्या हालत हुआ कि उन्होंने देखो साहूकार के जो उच्च ब्याज थे उसको उसको पेमेंट नहीं कर पाए, तो उसके बदले में क्या हुआ, जो साहूकार थे उनकी भूमि को हड़प लेते थे। तो इसका एक परिणाम ये भी देखने को मिला कि इससे देखो पहला ये परिणाम होता कि नकदी फसलों पर ज़्यादा फोकस किया गया, दूसरा साहूकार जो वर्ग था जैसे जमींदार वर्ग को हटाने के लिए काम किया गया, उसी तरह देखो यहाँ पे साहूकार वर्ग आ गया था, यानी कि एक और बिचौलिया आ गया था जो पैसे देता था इनपुट कास्ट के लिए, लेकिन अगर ब्याज ज्यादा हो जाता था तो ज्यादा पैसे वो रिटर्न नहीं कर पाता था। तो इस स्थिति में किसान के जो भूमि होता था वो देखो जो साहूकार था वो हड़प लेता था। तो इससे देखो इसके दोहरे नुकसान है, पहला कॉमर्शियल क्रॉप, दूसरा साहूकार वर्ग। कॉमर्शियल क्रॉप से क्या हुआ, जो आपका खाद्यान्न क्रॉप थी यानी खाद्यान्न की जो फसलें थी वो उसका उगाही उत्पादन कम होने लगा। अब खाद्यान्न फसलें कम होंगी उत्पादन, तो यानी कि जो आपका भुखमरी की स्थिति है वो बढ़ने लगी, यानी अकाल की स्थिति भी देखने को मिलेगी। तो इसके दोहरे तिहरे जो कि नुकसान देखने को मिले हैं। फिर नेक्स्ट देखो बोला जाए कि अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त होने के बाद कपास के निर्यात में गिरावट आई, लेकिन सरकार ने राजस्व को कम नहीं किया, परिणामतः अधिकांश किसान ऋण चुकाने में असमर्थ रहे। भूमि जो कि किसानों के हाथों से साहूकार के हाथों में हस्तांतरित होती चली गई, यानी कि देखो जब तक अमेरिका का गृह युद्ध चलता था तब तक कपास की काफी ज्यादा मांग थी, लेकिन जैसे अमेरिका गृह युद्ध खत्म हुआ तो कपास की मांग अचानक से तेजी से गिर गई। लेकिन जो किसानों ने कपास अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए वहां पे इनपुट कॉस्ट लगा दिया था, या फिर उनके खेतों में जो कपास के खेती हो रही थी, मतलब वो तैयार हो रही थी, वो सब तब तो बर्बाद हुई, क्यों, क्योंकि अब मांग रही नहीं, कोई मांग नहीं रहता, तो वो फसल वो खेतों में से खड़े कपास के फसल तो बर्बाद हो गए। तो इस संदर्भ में क्या हुआ, जो किसान थे जो साहूकार से जो पैसे लेकर जो कि साहूकार से जो उच्च ब्याज पे पैसे लेते वो देखो साहूकार को पैसे पेमेंट नहीं दे पाए, क्यों, क्योंकि उनका माल जो कि बिका ही नहीं, जब माल नहीं बिका तो साहूकार को पैसे नहीं दे पाए, और साहूकार ने क्या किया, उनकी जो भूमि थी उसको अपने कब्जे में ले ली। तो इसके ये कुछ परिणाम जो है हमने देखा यहाँ पे। अब देखो इस रैयत वाली व्यवस्था के कुछ दोष देखते हैं कि क्या क्या इस व्यवस्था के दोष रहे हैं। तो रैयत वाली व्यवस्था के दोष में देखो पहला पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है, एक सेकंड, यहाँ पर बोला जा रहा है, हालांकि इस व्यवस्था के बारे में यह तर्क दिया गया कि यह व्यवस्था भारतीय कृषकों एवं कृषि अनुरूप है, किंतु वास्तविकता देखोगे तो इससे काफ़ी परे थी। व्यवहारिक रूप से यह व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था से किसी भी प्रकार से कम हानिकारक नहीं थी। इसने ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया तथा जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। सरकार ने अधिकाधिक राजस्व वसूलने के लिए मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण किया तथा किसानों को बलपूर्वक कृषि के लिए बाध्य किया। यानी कि यहाँ पर देखो वही बोला जा रहा है, ओवरऑल कहानी वही है कि ये किसी भी तरह से अगर देखोगे जो आपका स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था था यानी जमींदारी जो व्यवस्था था उससे किसी भी तरह से कम शोषणकारी नहीं था, उसी की इक्वल शोषणकारी यह भी व्यवस्था
थी। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ बोला गया कि रैयत और व्यवस्था के अन्य दोष भी थे। इस व्यवस्था के तहत किसान का भूमि पर तब तक ही स्वामित्व रहता था जब तक वह लगान की राशि कंपनी को निश्चित समय के भीतर अदा करती थी, अन्यथा उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। अधिकांश क्षेत्रों में लगान की दरें अत्यधिक उच्च थी, अतः प्राकृतिक विपदा या अन्य किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर किसान लगान अदा नहीं कर पाते थे तथा उन्हें अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था। इसके अतिरिक्त किसानों का लगान वसूलने वाले कर्मचारियों के दुर्व्यवहार का सामना भी करना पड़ता था। यानी जो किसानों की भूमि थी वो देखो उनके हाथ से चली जाती थी। क्यों? क्योंकि जो वो साहूकार से पैसा लेके इसमें लागत लगाते थे उसकी ब्याज दरें काफी ऊंचे थी, और कभी अकाल वगैरह आ गया तो उस दिन मान लो कभी जो कि प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ तो उसकी भूमि को जो कि साहूकार हथिया लेते थे। और जो अंग्रेज थे उन्होंने भी कहा था कि अगर आप हमको टाइम पे रेवेन्यू वगैरह नहीं देंगे या कम देंगे तो हम आपकी भूमि को ले लेंगे। तो इस तरह से देखो किसानों की जो भूमि थी काफी तेजी से जो कि उनके हाथ से चली जाने लगी। तो ये इसके दोष, इस व्यवस्था के दोष बताए जाते हैं ये दो पॉइंट में खासकर। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रैयत वाली व्यवस्था के विश्लेषण के आयाम, यानी कि ये जो हमने रैयत वाली व्यवस्था देखा अभी इसका विश्लेषण करेंगे दो तीन दृष्टिकोण से। पहला कि ब्रिटिशर्स के हिसाब से देखेंगे कैसा रहा रैयत वाली व्यवस्था, फिर दूसरा किसानों के हिसाब से देखेंगे कैसा रहा यह रैयत वाली व्यवस्था, फिर थर्ड देखो यहाँ पर देखेंगे कि स्वतंत्रता संघर्ष के आधार पर देखेंगे तो ये व्यवस्था कैसा रहा है। तो चलो पहले सबसे पहले देख लेते हैं ब्रिटिशर्स के दृष्टिकोण से। तो यहाँ बोला जा रहा है कि सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य बिचौलियों के वर्ग को समाप्त करना था। इस व्यवस्था ने सरकार और कृषक के मध्य सीधा संबंध स्थापित किया। इससे भारत में तैयार किए गए ब्रिटिश उत्पादों की मांग में भी वृद्धि हुई, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। तो यानी एक तरह से ब्रिटिशर्स के लिए देखो तो काफ़ी ये अच्छा रहा है। फिर देखो नेक्स्ट देखो किसानों के दृष्टिकोण से देखोगे रैयत वाली व्यवस्था, तो बोला जा रहा है कि इस व्यवस्था की प्रकृति ही शोषणकारी थी। यानी कि जो इसकी विशेषताएं थी वो देखो अपने आप में शोषणकारी विशेषताएं थी। इसमें साहूकारों की पकड़ सशक्त होती गई, यानी जो साहूकार था एक तरह से बिचौलिए वर्ग का ही काम करता था। क्यों? क्योंकि उससे उच्च ब्याज पे जो कि पैसे ये देता था, और बाद में अगर ब्याज पैसे नहीं दे पाते तो वो जो कि भूमि हड़प लेता था। नकदी फसलों की खेती हेतु तो किसानों को विवश किया गया। अब देखो यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप को उगाने के लिए बल दिया गया, जिससे जो खाद्यान्न फसलें थी उस पर देखो कमी आई। इससे देखो भुखमरी देश में बढ़ी और अकाल की स्थिति भी बढ़ने लगी। तो ये एक तरह से देखो किसानों के लिए हर तरह से जो कि कह लो शोषणकारी ही था, अच्छा नहीं था बिल्कुल। और स्वतंत्रता संघर्ष के आधार पर देखोगे इस रैयत वाली व्यवस्था को, तो बोला जा रहा है इस व्यवस्था से कृषकों का असंतोष बढ़ता गया, जिसका प्रभाव आने वाले कृषक आंदोलनों पर दिखाई दिया। इससे स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती मिली। यानी कि आप देखो जो आपके अगर ये मैं इंडिया का मैप बनाऊँ आपके समझने के लिए, आप समझ लो रफ आई डायग्राम में बनाता हूँ, सॉरी ये तो ऐसा नहीं था, समझ लो ये बन नहीं रहा, सॉरी ऐसे मान के चलो ठीक है ये इंडिया का मैप है। तो अगर जैसे अभी तक जो देख रहे थे जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें देखो नदर्न एरिया के, ईस्टर्न एरिया के, वेस्टर्न एरिया के लोग जो कि काफ़ी सक्रिय थे उसमें, लेकिन जो सदर्न एरिया के किसान वर्ग थे वो उतने सक्रिय नहीं थे इस आंदोलन में। लेकिन जो आपका ये रैयत वाली व्यवस्था इस तरह की शोषण का व्यवस्था है, तो जो ये साउथ के जो किसान थे वो भी आपस में एकजुट हुए और ये स्वतंत्रता आंदोलन में जो कि अपना पार्टिसिपेट दिखाना शुरू किए थे। इससे देखो जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन है उसको मजबूती ही मिली है। तो ये इसका इम्पैक्ट हमने देख लिया तीनों स्तर पे विश्लेषण कर लिया मेंस के हिसाब से। तो ये पूरा ओवरऑल आपका था रैयत वाली व्यवस्था। नेक्स्ट हमारा महाल वाली पद्धति या महाल वाली सिस्टम, इसको हम लोग कल देखेंगे, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है ठीक है। तब तक के लिए हाँ जाओ मत अभी, जाने से पहले जो भी सर मैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब करके ही जाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।